अब इसके बाद पादपों में जल का स्थानांतरण किस तरह से जाता है? तो पादपों में जो पानी होता है, अगर मैं पूरे पानी की बात करूं, जो मृदा में उपस्थित पानी है, पादपों में जल का स्थानांतरण कैसे होता है? तो मृदा, अगर मृदा जल संबंध की बात करूं, तो मृदा में पूरा जो पानी है उसको बोलते हैं होलार्ड। क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इंग्लिश में उसको होलार्ड ही कहा जाता है। ठीक है, वो पानी जो मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उसको कहते हैं कैसा है। और वो पानी जो मृदा के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है उसको कहते हैं इकार्ड। इस तरह से, ठीक है, कोलार्ड, कैसार्ड और इकार्ड। कोलार्ड पानी, मतलब जो कुल पानी मृदा में उपस्थित जल का कुल स्तर, मृदा में उपस्थित जल का कुल पानी जो मृदा में उपस्थित है उसको बोलते हैं होलार्ड। वो पानी जो जल का मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो कहलाता है कैसार्ड। और जल का वो पानी या मृदा का वो पानी, वो स्तर जो जल पादप के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है वो कहलाता है इकार्ड। ठीक है, इसके अलावा मृदा में किस कौन कौन से पानी होते हैं, कौन कौन सी तरह से पानी मृदा का जल का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो कौन कौन सा होता है, उसकी बात करें तो वो कौन कौन सा होता है? बाह्य जल। यस, को अगर इंग्लिश में लिखो तो बच्चों समझ जाओगे ना, हिंदी में, हिंदी में ही इंग्लिश में लिख लेते हैं इसका तो आता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? रन ऑफ वाटर, ठीक, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है, रन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और केमिकली बाउंड वाटर। ठीक है, कौन कौन से? रन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और केमिकली बाउंड वाटर। तो ये जो पानी होता है, रन ऑफ वाटर क्या होता है? बाह्य जल, यानी कि पानी देने के बाद आपने क्या किया है, जल में पानी दिया है। जल में पानी देने के बाद क्या होता है? जल में पानी, जल में पानी कह रही हूँ यार, मृदा, सॉरी 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 सॉरी, मृदा में पानी देने के बाद, जब हम जैसे खेती में हम खेती करते हैं, प्लांट पादप होते हैं, प्लांट का प्लांटेशन करते हैं, उस टाइम में क्या करते हैं, हम पानी देते हैं जल मृदा में। पानी देने के बाद क्या करता है, हर पानी क्या थोड़ी ना जल मृदा में रह जाता है, क्या होता है, कुछ बह जाता है। कैसे? ड्रेनेज सिस्टम से। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है पानी का, इसके द्वारा कुछ पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। तो पानी, वह पानी जो क्या हो गया, बह गया, ठीक है, या पादप को नहीं मिला है, ठीक है ना, पादप को नहीं मिल पाया है वो पानी, उसको क्या कहते हैं हम? रन ऑफ वाटर, बाह्य जल, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं? बाह्य जल। ये पानी क्या होगा? पादप के लिए ये जल पादप के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस पानी को पादप नहीं ले सकते, क्योंकि ये पानी क्या हो जाता है? बह जाता है। पानी देने के बाद, मिट्टी को पानी देने के बाद ये क्या हो जाता है? बह जाता है, मिट्टी में रहता नहीं है। दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर, यानी कि गुरुत्वीय जल। क्या है? गुरुत्वीय जल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से पानी दिया, पानी देने के बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो पानी है वो क्या हो जाता है? बैठ जाता है। थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है? नीचे वाटर टेबल में बैठ जाता है, ऊपर नहीं रहता है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आपने पानी के, आपने देखा हो, एक दो दिन के बाद पानी क्या होता है, पूरा बैठ जाता है नीचे, जो भौम जल स्तर है, वाटर टेबल है, भौम जल स्तर है, वहां पर वो पानी पहुंच जाता है।
ये एक तरह से बहुत जरूरी है अपने बच्चों। क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पानी नहीं बैठेगा, पानी अगर नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा। सतह पर रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वाटर लॉक्ड कंडीशन। वाटर लॉक्ड कंडीशन यानी कि पानी की वजह से जो मृदा है, मृदा के जो कण है वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में गैसों की कमी हो जाती है, किसमें? मिट्टी में। तो एक तरह से गुरुत्वीय जल बहुत जरूरी भी है, ठीक है ना। तो एक है गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर। ये केवल यही एकमात्र जल है, कैपिलरी वाटर। इसको हम केशिका जल कहते हैं, केशिका, नॉट कोशिका। तो कहते हैं हम केशिका जल। केशिका जल यानी कि यही एक ऐसा मात्र पानी है, यही एक ऐसा जल है जो किसको? प्लांट को, पादप को द्वारा अवशोषित। यही एकमात्र ऐसा पानी है जो पादप द्वारा अवशोषित किया जाता है। दरअसल होता क्या है, पादप है, जैसे ये मृदा है, ये मृदा के कण है, ठीक है, क्या है? मृदा के कण है। इन मृदा के कणों की वजह से, आपस में इन कणों की वजह से इनमें बीच में क्या रहता है? इस तरह से कैपिलरी बन जाती है इनके बीच में, ठीक है ना। मतलब मृदा के कणों की वजह से, मृदा के कणों के बीच में क्या होता है? एक खाली जगह जो इनकी इंटरसेलुलर स्पेस है, जो कहते हैं अंतःकोशिकीय जो जगह इनकी बचती है, उनके बीच में कैपिलरी बन जाती है, जिसमें पानी भर जाता है। और यही कैपिलरी, यही केशिका से क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। किसके द्वारा? पादप के द्वारा, ठीक है ना। तो हम जब मृदा में पानी देते हैं तो सॉइल के, मृदा के कणों की वजह से वहां पर एक जगह, एक स्पेस रह जाता है जहां पर पानी भरता है। और यही पानी मृदा के द्वारा, उसके पादप के द्वारा क्या किया जाता है? मृदा से अवशोषित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है मृदा के कणों द्वारा, ठीक है, आर्द्रता ग्राही जल। ये क्या होता है? आर्द्रता ग्राही जल। तो इसमें क्या होता है? मृदा द्वारा के कणों द्वारा, मृदा के कणों द्वारा, जैसे कि मान लो ये इस तरह से, ये मृदा के कण है, तो इनकी, इनके चारों तरफ इनसे चिपका हुआ ससंजन बल द्वारा, ठीक है ना, इस तरह से ससंजन बल द्वारा मृदा के कणों से क्या है, ये पानी क्या है? चिपका हुआ है। और ये जो पानी होता है मृदा के कणों से, इतने बुरी तरह चिपका होता है, इस तरह से चिपका होता है कि ये पानी पादप को अवशोषित नहीं किया जाता, या इस पानी को पादप अवशोषित नहीं करते। क्यों? क्योंकि मृदा के कणों से चिपका हुआ है और ये आसानी से पादप को मिलता नहीं है। तो ये क्या होता है आपका? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको हम कहते हैं, या आर्द्रता ग्राही जल, ठीक है बच्चों। इसके बाद है आपका केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर क्या होता है? केमिकली बाउंड वाटर, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कई बार जो रिएक्शन है वो लिखते हैं MnO2.2H2O, इस तरह से लिखते हैं, लिखते हैं, आपने लिखते हैं CaSO4.7H2O, कुछ भी, जैसे ऐसा नहीं है हो ही गए होगा। तो आपने देखा होगा, आप कई बार ऐसा होता है, केमिकल्स, केमिकल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ मृदा में उपस्थित हैं, वो खनिज पदार्थों द्वारा जल कुछ तरीके से उनके द्वारा बना हुआ है उन खनिज पदार्थों से, कि वो मृदा को नहीं मिलता है, या वो जल पादप को द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी पानी हमने लिखे हैं, बाह्य जल, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आद्रता ग्राही जल, केमिकली बाउंड वाटर, तो ये जितने भी बल्ब, ये जितने भी जल हमने लिखे, इनमें से केवल केशिका जल एक ऐसा होता है जो पादप द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी इनमें से कोई भी पानी पादप द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। क्लियर सबको? ठीक है, कौन कौन से जल पादप में, मृदा में उपस्थित होते हैं, मृदा में उपस्थित जल का वर्गीकरण हमने देखा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? मूल तंत्र की और जल के अवशोषण की।
मूल गो रूट कैप जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा रूट एपेक्स, ये क्या होता है हमारा मूल शीट रूट एपेक्स, ठीक है। ये क्या है मूल शीट रूट एपेक्स, इस मूल शीट के ऊपर क्या लगा हुआ है मूल को, मूल गोप यानी रूट कैप लगा हुआ है। ये रूट कैप क्या होता है, मूल गोप क्या होता है जो क्या कर रहा है, रूट कैप मूल गोप क्या कर रहा है जो आपके मूल शीट्स को क्या कर रहा है, आपके मूल शीट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि मूल शीट्स को खराब नहीं होने देता है, या क्योंकि वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है तो नीचे की तरफ वो जो आपकी को बल जो लगेगा वृद्धा द्वारा इसके द्वारा जो बल लगता है ये उसको उसकी वजह से इस मूल शीट्स को नहीं क्या नहीं होने देगा, खराब नहीं होने देगा, इसमें कोई क्षति नहीं होने देगा। तो इसके लिए क्या ऊपर होता है मूल गोप के ऊपर मूल शीट्स, ठीक है। इसके ऊपर होता है विभज्योतक क्षेत्र, मेरिस्टमेटिक रीजन, ठीक है। इसके ऊपर क्या है विभज्योतक क्षेत्र, इसके ऊपर होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर होता है दीर्घीकरण क्षेत्र यानी कि एलोंगेशन रीजन, और सबसे ऊपर होता है मूल रोम, मूल रोम क्षेत्र यानी कि रूट हेयर्स। इसके ऊपर भी होता है, हम यहां तक की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है मूल रोम क्षेत्र यानी कि रूट हेयर्स। तो ये होते हैं मूल गोप, मूल गोप क्या होती है जो मूल शीट्स के ऊपर रूट एपेक्स के ऊपर होती है, और ये काम क्या करता है मूल शीट्स को बचाने का काम करता है, यानी कि वहां से इसमें मूल जिसके रूट कैप मूल गोप की वजह से मूल शीट्स में कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके ऊपर होता है विभज्योतक क्षेत्र यानी कि मेरिस्टमेटिक रीजन, यानी कि वो रीजन जो क्या करता है जिसमें कोशिका क्या होती है लगातार विभाजन स्थिति में होती है, ठीक है ना। अगर मान लो मूल शीट्स में कोई नुकसान अगर हो भी जाता है, अगर मूल शीट्स में कोई क्षति हो भी जाती है तो उसको सही करने का काम कौन करता है, विभज्योतक क्षेत्र। क्यों, विभज्योतक क्षेत्र में उपस्थित कोशिकाएं लगातार विभाजन स्थिति में होती है। दीर्घीकरण क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ से रूट यानी कि मूल क्या होगी आपकी बड़ी होती है, एलोंगेशन रीजन जो उसकी लंबाई में उसकी वृद्धि में काम में आता है या उसका काम करता है वो कौन है, दीर्घीकरण क्षेत्र। और इस दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर क्या होता है आपका मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर मूल रोम रूट हेयर्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है रूट हेयर्स प्रेजेंट है। अब होता क्या बच्चों, ये जो रूट हेयर्स हैं इनकी ये ही क्या होते हैं सबसे ज्यादा जो अवशोषण है, जो अवशोषण है वो कौन करता है रूट हेयर्स ही करते हैं। सबसे ज्यादा जल का अवशोषण कौन करता है रूट हेयर करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि केवल रूट हेयर्स द्वारा या मूल रोम द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। क्यों, क्योंकि बाकी की जो और जैसे कई उनमें देखा गया था एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो ये देखा गया था कि अगर मूल रोम को हटा दिया जाए तब भी पादप में या जल इसमें मूल द्वारा क्या होता है अवशोषण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम ये केवल ये नहीं कह सकते केवल मूल रोम की वजह से ही जल का अवशोषण, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ज्यादातर अवशोषण, मतलब ऐसा कोई पादप जिसमें मूल रोम नहीं है और दूसरा पादप जिसमें मूल रोम है, तो जिसमें मूल रोम नहीं होंगी उसके अंदर जल का अवशोषण कम होगा, ठीक है। तो ये हम इसमें कह सकते हैं, बाकी इसका ऐसा कोई वो नहीं है तात्पर्य कि केवल मूल रोम द्वारा ही जल का अवशोषण किया जाता है। अगर मैं इसके अभिगमन की बात करूँ तो अभिगमन हमने बात करी थी पहले भी, मैं आपसे बात कर रही थी कर चुकी हूँ कि पानी का अभिगमन उसका मूवमेंट उसका डायरेक्शन कैसे होगा, मृदा से मूल रोम में, मूल रोम से मूल कोशिका में, मूल कोशिका से पादप में, पादप से उसके पत्तियों में जो हम कहते हैं पत्तियों में, और वहां से आपके वातावरण में। तो इस तरीके से पानी का क्या होता है जल का अभिगमन होता है, उसका मूवमेंट होता है। क्लियर है बच्चों सबको, बात सबको समझ आ गई। ठीक है, अगर मैं इसके एब्जॉर्प्शन की बात करूँ अवशोषण की बात करूँ तो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। वैसे इसका जो सही है वो सही तरीके से इसको कहाँ पढ़ना है वो हम बात करेंगे जो आपका थर्ड चैप्टर है यानी कि मिनरल अपटेक खनिज अवशोषण वहाँ बात करते हैं। पर दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन और एक होता है पैसिव अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। यानी कि एक तो होता है सक्रिय अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण।
सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर क्या है? सक्रिय अवशोषण जो होता है बच्चों, सक्रिय अवशोषण में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि एटीपी कंज्यूम्ड होता है। ये मतलब बिना सांद्रता के, यानी कि बाहर अगर नॉर्मल क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है पानी का मूवमेंट, अभिगमन ऐसे ही होता है। लेकिन ये कई एक्टिव एब्जॉर्प्शन का होता है कि कोई आयन है, कोई खनिज है जिसकी सांद्रता बाहर कम है, लेकिन फिर भी कोशिका को, रूट को वो चाहिए, तो वो क्या करता है, कम सांद्रता से अपनी उच्च सांद्रता में भी लेकर जाता है। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन ये बात करेंगे, तो उसकी बात हम आपसे कल करेंगे। फिलहाल हम कैसे बात कर लेते हैं, प्लाज्मा भित्ति की। अगर मैं कहती हूँ कि मूल कोशिका है, मूल कोशिका भित्ति है, तो मूल कोशिका भित्ति, मैंने आपसे पारगम में, अपारगम, अर्ध पारगम में बात करी थी, तो कोशिका भित्ति क्या होती है, मूल कोशिका की पूर्णतः पारगम में होती है, विलायक और विलय दोनों के लिए, दोनों को अपने अंदर आने देती है। लेकिन जो इसकी झिल्ली है वो कैसी होती है, वो अर्ध पारगम में होती है, सेमी परमेबल होती है, विलायक को आने देती है, विलय को नहीं आने देती। तो ऐसी स्थिति में दो टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय कैसा होगा, निष्क्रिय ये होगा कि सांद्रता के अनुसार, मान लो बाहर सांद्रता ज्यादा है, अंदर सांद्रता कम है, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर सांद्रता नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, सक्रिय अब्जॉर्प्शन। सक्रिय अब्जॉर्प्शन उसके लिए हम आपसे बात करेंगे मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए जो भी आपको आज कराया है, पहला कराया, आप उसको पूरा पढ़ के रखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।